अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ कैबेज पकौड़ा, यानी कि बंद गोभी का पकौड़ा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी को देखिए, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले देचकी में एक जो फूल है बंद गोभी का, वो कट करके मैंने ऐड किया, और इसमें एक गिलास पानी ऐड करके इसे पकने के लिए रख दिया। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद बंद गोभी जो है वो तकरीबन गल चुकी है। अब इसे मैं अलग कर लूँगी। तो दूसरी तरफ पैन में आधा कप मैंने ऑयल लिया और इसमें प्याज ऐड किया, और एक कटा हुआ प्याज ऐड किया, एक चम्मच लहसुन अदरक का ऐड किया, और इसे मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी। जैसे ही कलर चेंज हो आप इसे अलग कर लें। तो फाइनल प्रोसेस की तरफ आते हैं। एक बाउल में आपने बॉईल की हुई बंद गोभी ऐड की, और इसमें फ्राई किया हुआ प्याज ऐड किया, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च आपने ऐड की। यहाँ पे 3 अंडे आप ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, इसे अच्छा जायका आता है। 1 चम्मच आपने नमक ऐड किया, 1 चम्मच लाल मिर्च आपने ऐड की, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर आपने ऐड किया, और यहाँ पे 1 कप आपने बेसन ऐड किया, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसे अच्छी तरह मिक्स में करूँगी, और मिक्स करने के बाद ये देखें, अब ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसे फ्राई करते हैं। फ्राई पैन में आपने ऑयल लिया आधा कप, और इसमें 1 by 1 चम्मच, एक एक चम्मच के साथ आपने इस मिक्सचर को ऐड किया। पकोड़े की फॉर्म में, जैसे हम पकोड़े बनाती हैं वैसे ही ऐड किया। आग आपने यहाँ पे मीडियम रखनी है, ताकि पकोड़े जो हैं वो जल ना जाएं। जैसे ही एक साइड ब्राउन हो जाए आपने दूसरी साइड पे इसको पलट देना है, और दूसरी साइड भी अच्छी तरह फ्राई करनी है। एक से दो मिनट के बाद ये फ्राई हो जाएंगे, और इसे आप ट्रे में निकालना स्टार्ट कर दें। पुदीने और दही की चटनी के साथ आप इसे सर्व करें और खाएं। यकीन जाने बहुत ही मज़े के बनते हैं, और बहुत ही इजी बजट में ये बन जाते हैं। तो एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।